श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चार गुण हैं ऐसे जिनको अगर आप जिंदगी में अपना लेते हैं तो आपकी जो आयु है वो लंबी हो जाएगी। और ये महाभारत में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है, परंतु इंसान अपने कर्म, आदत और व्यवहार से उम्र को घटाता चला जाता है। किस तरह के काम से आयु घटती है और कौन से गुण अपनाने से आदमी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए, जब रणभूमि में तीरों के सिया पर पड़े भीष्म ने भीष्म से राजनीति की शिक्षा लेने गए, तब उन्होंने युधिष्ठिर को चार गुणों के बारे में बताया जिनको अपने जीवन में उतारा लेने से इंसान की आयु बढ़ती है। वे गुण कौन कौन से हैं वो बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। पहला है सच बोलना। झूठ बोलना कई लोगों के स्वभाव में होता है। झूठ बोलकर वे पल भर के लिए तो मुसीबत से बच जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें उसका परिणाम झेलना पड़ता है। झूठ बोलने से न सिर्फ मनुष्य की छवि खराब होती है बल्कि उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। वो अक्सर अपना झूठ पकड़े के डर से, कि मेरा झूठ कहीं पकड़ा नहीं जाए, इस डर से हमेशा चिंता में रहता है। यही चिंता उसकी सेहत पर लगातार बुरा असर डालती है। लंबी उम्र के लिए असत्य बोलने से बचना चाहिए। फिर क्रोध नहीं करना, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। बेवजह या अत्यधिक गुस्सा करने से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है जो उसकी आयु को कम करता है। गुस्सा हमारे स्वभाव को धीरे धीरे हिंसक बना देता है। क्रोध न करने वाले या शांत स्वभाव वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे निश्चित ही लंबी उम्र तक मतलब जीता है और लंबी उम्र पाता है। फिर हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म अधर्म माना गया है। हिंसा को सबसे बड़ा अधर्म माना गया है और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। मारपीट, लड़ाई झगड़े या हिंसा करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो कष्ट पहुंचाता ही है, साथ ही खुद का भी नुकसान करता है। जो व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, उनकी रक्षा करता है, उन पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस गुण का पालन करने वाले की आयु निश्चित ही लंबी होती है। हिंसा के तीन तरह की मानी गई है, मन से, वचन से और कर्म से। मन से हिंसा का मतलब है किसी के बारे में लगातार बुरा सोचना, वो भी हिंसा में आता है। वचन से हिंसा का मतलब है किसी के बारे में बुरा बोलना, भ्रामक बातें फैलाना, तथा कर्म से हिंसा मतलब शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाना। फिर छल कपट नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सदाचार का पालन करता है, छल कपट जैसी भावनाएं जिसके मन में नहीं रहती है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। मनुष्य को छल कपट जैसे भावों से दूर रहकर अपना मन देव भक्ति और पूजा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से उसका मन शांत रहता है। शांत मन ही स्वस्थ शरीर की निशानी है। इस गुण को पालन करने पर मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।